हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स एट अ प्लेन सरफेस आज हम जो है रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स एट अ प्लेन सरफेस के बारे में पढ़ेंगे हाइजेंस कंस्ट्रक्शन फॉर रिफ्रैक्टेड वेव्स इसको हम हाइजेंस कंस्ट्रक्शन फॉर रिफ्रैक्टेड वेव्स भी कहते हैं लेट एक्स वाई बी अ प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस सेपरेटिंग मीडिया फर्स्ट एंड सेकेंड हम सपोज करते हैं कि जो एक्स वाई है वो एक प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो कि मीडिया मीडियम फर्स्ट और सेकेंड को सेपरेट कर रहा है प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस मीन्स प्लेन सरफेस जो कि रिफ्रैक्शन करता है लेट वी वन एंड वी टू बी देवसिटी इन मीडिया वन एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली और हम सपोज करते हैं की पहले मीडियम में जो विला का वो वी वन है और दूसरे मीडियम में जो विलासिटी है वो वी टू है लेट मीडियम सेकेंड भी डेंसर देन मीडियम फर्स्ट और हम सपोज करते हैं कि जो मीडियम सेकेंड है वो डेंसर है मीडियम फर्स्ट से फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फिर यहाँ पर दिया है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल एवरी पॉइंट ऑन इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी इज सोर्स ऑफ वेवलेट्स वेवलेट प्रिंसिपल के मुताबिक हर पॉइंट जो कि इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी पे है वो जो है सोर्स है सेकेंडरी वेवलेट्स का यानी कि जो ए बी पे जितने भी पॉइंट्स है वो जो है सेकेंडरी वेव्स निकालता है सेकेंडरी वेवलेट्स बाई द टाइम Wavelet from B reaches a point C, the wavelet from A would have reached at point D such that time taken from B to C is equal to time taken from A to D. Uh, jitna time lagega. वेवलेट को बी पॉइंट से सी पॉइंट तक रीच करने के लिए उतना टाइम जो है वेवलेट को ए पॉइंट से डी पॉइंट तक रीच करने के लिए लगेगा इफ टी इज टाइम टेकन बाय साउंड वेव फ्रॉम बी टू सी और ए टू डी देन अगर जो टी है वो टाइम है जो कि साउंड वेव लेता है बी से सी तक पहुंचने के लिए या ए से डी तक पहुंचने के लिए ये टाइम जो है वो सेम होगा क्योंकि ये जो वेव फ्रंट सी डी है वो वेव फ्रंट ए बी को रिप्रेजेंट करता है आफ्टर अ टाइम टी तो उस पे जितने भी पॉइंट्स है वो ए बी पे जितने भी पॉइंट्स है वो सी डी पे पहुंच जाएगा आफ्टर अ टाइम टी वो सारे पॉइंट यहाँ पर जो पॉइंट बी है वो सी तक पहुंचने के लिए टाइम टी लेता है और वेलोसिटी जो है वो वी वन है तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी इनटू टाइम वी वन इंटू टी होगा और इसी तरीके से ए से डी तक पहुंचने के लिए टाइम सेम है क्योंकि वेव फ्रंट सेम है आफ्टर द सेम टाइम ये जो ए बी वेव फ्रंट है वो डी सी वे पोजिशन पे पहुँचा है दूसरे मीडियम में है डेंसर मीडियम में है एडी जो डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पर वेलोसिटी v2 होगा तो उस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट ए डी है वो v2 टू इंटू टी के बराबर आएगा इफ सी टी टू द ऑफ रेडियस दस इट विल टच ऑल द एक्सट्रीम टीम ऑफ डिस्टर्बेंस इमिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन ए सी अगर सी टी जो है वो एक टेंजेंट है जो कि हमने एक स्पेयर पे ड्रॉ किया है और उस स्पेयर का रेडियस है एडी तो हम एक सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं जिसका रेडियस ए डी होगा सर्कल का सेंटर ए पे होगा ठीक है और यहाँ पे क्या होगा जो सी डी है वो टेंजेंट होगा इस फेयर से और ये जो टेंजेंट है सी डी वो जितने भी स्फेयर्स है जो कि ए से लेके सी तक निकलेगा उन सारों को टच करेगा ए जो स्फेयर है उसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा एंड ए से जब हम आगे निकलते जाएंगे तो उस स्फेयर का रेडियस कम होता जाएगा इसलिए ए से लेके सी तक जितने भी स्फेयर है उनका टेंजेंट है डी सी या सी डी सो सी डी द डायरेक्शन ऑफ रिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रॉम ए बी और हमें पता है जब हम वेव फ्रंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें उसके डायरेक्शन के बारे में पता चलता है तो जो सी डी है वो डायरेक्शन ऑफ रिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट के बारे में बताता है ड्रॉ ए एन एंड सी नॉर्मल एट अ पॉइंट ए एन सी रिस्पेक्टिवली हम ए एन और सी एन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे पॉइंट A और पॉइंट सी पे respectively. ठीक है यानी कि हमें नॉर्मल सी एन देश ड्रॉ करना है देन आई इज इक्वल टू एंगल ए कैपिटल ए एन इज इक्वल टू एंगल कैपिटल बी ए सी तो ये जो एंगल होगा ए ए एन वो हमारा इंसिडेंट एंगल होगा क्योंकि ये जो रे है इंसिडेंट रे वो नॉर्मल के साथ बना रहा है ये एंगल और ये जो एंगल है बी ए सी वो भी आई के बराबर होगा क्योंकि अगर दो लाइंस के बीच में एंगल है और अगर हम उन दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उनके परपेंडिकुलर के बीच में वही एंगल होगा सेम एंगल होगा और यहाँ पर जो एन परपेंडिकुलर है उसका परपेंडिकुलर है एक्स वाई लाइन और ये जो ए ए लाइन है उसका परपेंडिकुलर है ए बी ये हमारा ए बी जो है वेव फ्रंट है और वो रे के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाता है इसलिए ये जो ए ए रे है और जो वेव फ्रंट ए बी है वो 90 डिग्री बनाएगा तो ये जो परपेंडिक्यूलर के बीच में एंगल होगा वो सेम होगा एंगल मेड बाय टू स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू एंगल मेड बाय देयर नॉर्मल्स यहाँ पे लिखा है यहाँ पर जो एंगल स्मॉल सी कैपिटल सी एंड है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है क्योंकि उसने सेकेंड नॉर्मल के साथ बनाया है रेनी uh, तो उसको हम एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन कहते हैं अब ये जो दो लाइंस है उनका नॉर्मल जो है वो रिप्रेजेंट करता है लाइन एक्स वाई और सी को डेज़ का नॉर्मल जो है वो एक्स वाई है और स्मॉल सी कैपिटल सी का नॉर्मल जो है वो डी सी है तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो सेम होगा आर होगा तो वही यहाँ पे लिखा है कि जो स्मॉल आर है वो एंगल स्मॉल सी कैपिटल सी एंड के बराबर है विच इज इक्वल टू एंगल ए सी डी फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी वी हैव अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कंसिडर करें राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी जहां पर बी पे नाइनटी डिग्री है और दूसरा एंगल है ए डी सी और यहाँ पर डी पे 90 डिग्री है साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर जो है वो किसके बराबर होगा ऑफ़ जो है यहाँ पर जो पहला ट्राइंगल है ए बी सी उधर इंसिडेंट रे आई है तो साइन ऑफ आई जो है वो बराबर होगा परपेंडिकुलर जो की है बी सी अपॉन हाइपोटीनियस जो की है ए सी और इसी तरीके से जो नीचे वाला एंगल है उधर साइन ऑफ आर जो है वो बराबर होगा परपेंडिकुलर जो की है एडी अपॉन हाइपोटीनियज ए सी है इस ट्राइंगल में तो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर जो है बी सी अपॉन ए सी डिवाइडेड बाय ए डी अपॉन ए सी के बराबर होगा ए सी जो है कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा बी सी अपॉन एडी यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बीसी का वैल्यू निकाला था इक्वेशन नंबर सेकेंड में एडी का वैल्यू निकाला था उन्हीं वैल्यूज़ को हमें पुट करना है तो हमें क्या मिलेगा साइनोफाई अपॉन आर जो है वो बराबर होगा वी वन टी अपॉन वी टू टी टी और टी हो जाएगा कैंसल बचेगा v1 वन अपॉन वी और v1 वन अपॉन वी जो है वो कांस्टेंट होता है तो दिस इज स्नेल्स लॉ हेंस फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन इज प्रूफ और यही हमारा स्नेल्स लॉ है तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन है वो प्रूफ हमने कर लिया है। फिर उसके बाद, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन velocities ऑफ साउंड इन द टू मीडिया यहाँ पर हम इक्वेशन में देख सकते हैं कि जो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर जो है वो बराबर होता है वी वन अपॉन वी टू के यानी कि जो बेंडिंग है या रिफ्रेक्शन ऑफ साउंड है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है दो मीडिया के यहाँ पर वी वन और वी टू है तो ये जो बेंडिंग है या जो रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स है वो विलोसिटी पे डिपेंड करता है फिर उसके बाद दिया है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सिंस इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द प्लेन एक्स वाई एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन दिस प्रूव सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे है रिफ्रेक्टेड रे है और नॉर्मल टू द प्लेन एक्स वाई एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है एक्स वाई प्लेन पे ये सारे एक ही प्लेन में है एक ही प्लेन में मीन्स इन सारों को डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ दो ही एक्सेस चाहिए और ये जो दो एक्सेस है वो सारों का सेम है सपोज करते हैं एक्स और वाई एक्सेस चाहिए तो ये सारे एक्स वाई वाले प्लेन में लाई करते हैं या इन सारों को डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ एक्स और वाई एक्सेस के कोऑर्डिनेट्स का पता होना चाहिए और ये हमारा था सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का स्टेटमेंट जो कि ये फॉलो करता है और ये प्रूव करता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन को तो यही है आज का टॉपिक और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग